ट्रेड बैरियर वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेड बैरियर को हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नंबर वन इज द टैरिफ एंड नंबर टू इज द नॉन टैरिफ। अगर हम टैरिफ की बात करें तो आप सबको पता है कि टैरिफ हम क्यों इम्पोज करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और वहीं पे हमें वही टैरिफ क्या ला के देता है, रेवेन्यू भी ला के देता है। तो टैरिफ को हम मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, नंबर वन एज प्रोटेक्टिव टैरिफ एंड नंबर टू एज रेवेन्यू टैरिफ। और प्रोटेक्टिव टैरिफ को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें फोर कैटेगरीज दिखती है इसके अंदर। नंबर वन इज द एड वैलोरम, नंबर टू इज द स्पेसिफिक, नंबर थ्री इज द कंपाउंड एंड नंबर फोर इज द स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। एड वैलोरम टैरिफ वो होता है अगर आप जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हो वो इस नेचर का है कि आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने एक पेन इम्पोर्ट किया फ्रॉम यूएस। आपने जब एक पेन इम्पोर्ट किया फ्रॉम सम कंट्री तो उसका प्राइस था 10 रुपए। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर टैरिफ लगा दिया एज 2% ऑफ प्राइस ऑफ द पेन। तो 2% क्या होगा प्राइस ऑफ द पेन, दैट इज 2 रुपी। अगर कहने का मतलब है कि अगर टैरिफ इस तरीके का हो कि वो क्या हो एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब हम उस टैरिफ को क्या कहेंगे, दैट टैरिफ इज नोन एज एड वैलोरम। बट स्पेसिफिक में हम वैल्यू को नहीं देखते, हम प्राइस को नहीं देखते, हम पर फिजिकल क्वांटिटी में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा कि आप जितने मर्जी पेन मंगवाओ, हम क्या करेंगे, हम हर पेन के ऊपर 1 रुपए का टैरिफ लेने वाले हैं। तो आपने एक पेन मंगवाया, इसका मतलब आप कितना टैरिफ पे करेंगे, आप पे करेंगे 1 रुपए। अगर आपने 10 पेन मंगवाए तो इसका मतलब 1 × 10 दैट इज 10 रुपी एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ का मतलब होता है जब हम एड वैलोरम और स्पेसिफिक दोनों टैरिफ लगाएंगे ऑन द सेम कमोडिटी, दैट टैरिफ इज नोन एज कंपाउंड टैरिफ। और लास्ट इज स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी होती है जब आप टैरिफ लगाते हो, जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ टैरिफ भी अगर चेंज करेगा तो उस समय उस टैरिफ को हम क्या कहते हैं, दैट टैरिफ इज नोन एज स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। और यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी में भी हमारे दोनों टैरिफ होते हैं, दैट इज द कंपाउंड टैरिफ, सॉरी दैट इज द एड वैलोरम टैरिफ एंड द स्पेसिफिक टैरिफ। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। कई बार क्या होता है, हम सेम रेट ऑफ टैरिफ लगाते हैं थ्रू आउट द कंट्री जिन लोगों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका सेम रेट ऑफ ट्रेड होगा, सेम रेट ऑफ टैरिफ होगा, दैट टैरिफ इज नोन एज सिंगल कॉलम टैरिफ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग दो रेट डिफाइन करते हैं, एक जो हम सबके साथ रखेंगे, लेकिन एक रेट होता है जो हम अपनी प्रेफरेंशियल रेट, प्रेफरेंशियल टैरिफ कह सकते हैं आप उसको, कि हम लोग क्या करते हैं, एक तो जनरल रेट है लेकिन दूसरा एक इस तरीके का रेट है जो हम कुछ ही स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ जो है हम नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर इस तरीके के दो रेट्स आपको इकोनॉमी में मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, दैट इज डबल कॉलम टैरिफ। और अगर आपको दो से ज्यादा रेट मिलेंगे, दैट इज मल्टीपल और ट्रिपल कॉलम टैरिफ। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन की। सबसे पहला तो है रिटेलिएटरी टैरिफ। रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होता है, एक कंट्री ने आपकी कंट्री से जो उस कंट्री पे इंपोर्ट्स आ रहे थे वहां पे टैरिफ इंपोज किया, तो आपने क्या किया, इन रिटर्न जो उस कंट्री से आपकी कंट्री पे इंपोर्ट आ रहे थे आपने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। लेकिन इसके अलावा एक और होता है, दैट इज काउंटरवेलिंग टैरिफ और ड्यूटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपके इंपोर्ट्स के ऊपर दूसरी कंट्री टैरिफ नहीं लगाती, वो क्या करेगी, फॉरेन कंट्री कहेगी कि मेरे यहां से क्या जा रहा है आपकी कंट्री में, टेक्सटाइल जा रहा है, तो वो चाहती है कि आपके मार्केट में होम कंट्री के अंदर जो हमारी कंट्री है, फॉरेन कंट्री चाहती है कि इस कंट्री के ऊपर फॉरेन कंट्री से आया हुआ टेक्सटाइल है वो बिकना स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब फॉरेन कंट्री क्या करेगी, अपने टेक्सटाइल के ऊपर लगा देगी एक्सपोर्ट सब्सिडी। जब फॉरेन कंट्री ने यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी लगा दी तो अल्टीमेटली होगा क्या, टेक्सटाइल सस्ता हो जाएगा जब होम कंट्री पे आएगा, तो यहाँ पे टेक्सटाइल फॉरेन कंट्री से जो आया हुआ है उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। जब उसका प्राइस कम हो गया तो अल्टीमेटली जो हमारे कंट्री के अंदर जो चीजें हैं, जो हम टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करेगी, यहाँ पे इसके ऊपर, इस टेक्सटाइल के ऊपर क्या करेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज काउंटरवेलिंग टैरिफ और ड्यूटी।